हेलो एवरीवन, स्वागत है हर घर फूड्स में। आज हम बना रहे हैं सादा पुलाव। तो हमने कुकर लिया है, कुकर में डालते हैं 3 से 4 चम्मच तेल। अभी हम इसमें खड़े मसाले कुछ डालेंगे, तो एक तेज पत्ता और ये कुछ खड़े मसाले, जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी। इसे थोड़ा सा पक जाने देते हैं और हम इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा काजू। इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। और हमने एक कटोरी चावल धुल के रखा था, ज़्यादा देर नहीं रखा था, तो इसे हम डाल देते हैं। 1-2 मिनट तक इसी तरह धीमे आंच पर भून लेते हैं। हमने एक कटोरी चावल लिया था और तुरंत धुला था, तो हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। अगर हम इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रखते तो 1.5 कटोरी ही पानी डालते, तो हमने इसमें पानी डाल लिया है। हम इसमें डालेंगे नमक, तो हम इसे ढक कर पका लेते हैं 2 सीटी आने तक। एकदम आसान है ऐसा बनाना। ये देखिए कितना बढ़िया खिला खिला बना है। हम पत्ता निकाल देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए सादा सिंपल पुलाव बनकर तैयार है। तो आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।